बढ़ते खबरों में आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर बुकलेट जारी किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा, 15 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार समर्पित, अमित शाह ने कहा है। बड़ी जानकारी, तो दिन पूरा हुआ, चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि एक ब्रेकिंग न्यूज आपको, तो बड़ी जानकारी, मोदी सरकार 3.0 ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निकिता, मोदी सरकार के 3.0 का 100 दिन पूरा हो गया, अपडेट कीजिए। देखिए सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक जो बुकलेट है उसको लॉन्च किया है और सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में कई संस्थानों पर जिस तरीके से संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, और वो उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के नाम से उन्होंने मनाने का इसको निर्णय लिया है और साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद की सेवा की जाएगी और सेवा में हमारे जैसे काफी जो पार्टी वर्कर्स हैं वो लगेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सभी जिले में प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही जो सेवा है उसकी शुरुआत की है और वहां हो रही दौड़ को जो रवाना है वो किया है। साथ ही लखनऊ की बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ कई भाजपा के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी सफाई अभियान चलाया, उसे आगे बढ़ाया। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया है और दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं और 10 सालों में जिस तरीके से दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों के मोदी जी, जिस तरीके से देश को सर्वोच्च पुरस्कार का सम्मान भी दिया गया था, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस अवसर पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री देश का जिस तरीके से लगातार गौरव बढ़ा रहे हैं, 60 साल के में पहली बार देश की जो राजनीतिक स्थिरता है उसका माहौल आया है और नीतियों को जिस तरीके से सत्यापन है
उसमें भी अनुभव किया गया है। तो जिस तरीके से आज अगर मैं बात करूं, गृह मंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक बुकलेट लॉन्च की है जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, और साथ ही ये भी कहा है कि मोदी सरकार जो कहती है वही करती है, और उन्होंने कई योजनाओं के नाम गिनाए हैं और साथ ही साथ ये जो बुकलेट है उसको भी लॉन्च किया है। बिल्कुल, अगर बुकलेट ये जो लॉन्च हुआ है, आप तो ग्राउंड पे रहती हैं, जनता की अगर बात करें तो कितना सेटिस्फाइड नजर आ रही है 100 दिन के कार्यकाल को लेकर? देखिए सौरभ, जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता के अक्सर मिक्स एंड मैच कमेंट्स होते हैं। कोई ऐसी योजनाएं सरकार की जनता को बहुत भा जाती है और कई ऐसी भी परियोजनाएं होती है, क्योंकि देखिए जनता को बेसिक चीजें चाहिए होती हैं और बेसिक नीड्स जनता की यही कहती है कि उनको आवास चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास मिले, हर घर सिलेंडर योजना के तहत उनको सिलेंडर मिले हैं, साथ ही साथ मुफ्त राशन की जो सरकार की नीति है वो लगातार चली आ रही है। कोविड की अगर मैं बात करूं, कोविड से लगातार सरकार जिस तरीके से मुफ्त राशन बांट रही है, और साथ ही साथ जो लगातार अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, तो इसमें जो जमीनी जो हकीकत है वो यही है कि अब लोगों को काफी सुरक्षित महसूस होता है। तो फिलहाल अगर जिस तरीके से जो एक घोषणा पत्र होता है उसमें भी सरकार कई वादे करते हैं, और जिस तरीके से मोदी सरकार ने भी, अगर मैं इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन के समय की बात करूं, घोषणा पत्र भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया था जिसमें जो कहा गया यानी कि जो वादे थे इस सरकार के वो भी पूरे होते नजर आ रहे हैं, तो जनता फिलहाल खुश है। और यही एक वजह है, देखिए जनता खुश है तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, यानी कि जनता जनार्दन होती है और जनता का ही ये एक फैसला है जिसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का भी शुक्रगुजार है और जनता को पसंद है, और यही एक वजह है कि इस बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने चुना, और इस बार की जो सरकार है उसमें उनके 100 दिन भी, माफ करिएगा, 100 दिन पूरे हो चुके हैं जिसको जनता के साथ साथ लोग भी काफी सराह रहे हैं। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे, बीजेपी सरकार गरीबों को समर्पित है। तो लगातार काम किए जा रहे हैं, बीजेपी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, 100 दिन पूरे हो गए मोदी सरकार के। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है जो हर साल चलते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है, और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, और इसका कारण है कि 10 साल में
देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, हमारे चीर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है।